ये तो है, सुबह सुबह बिन बुलाए आप कुछ देर के लिए कहीं चले जाएं, बल्कि ऑफिस चले जाएं। होश में तो हूं ना, जानते हो क्या कह रहे हो भाई। कुछ लोग घर के सिलसिले में बात करने आ रहे हैं, मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है, पूरी टीम आ रही है। आप यहां नहीं होंगे तो मैं उन्हें टाल दूंगा। तो मतलब मैं अपने ही घर से भाग जाऊं? भाई प्लीज, आप समझने की कोशिश करें, गुस्सा कर रहे थे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्लीज। अनीस साहब, बस मेरा जाती मामला था, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता, गुस्से में ही हो गया। हमारे मुल्क में तो गरीब पैदा ही मरने के लिए होता है, क्या कर सकते हैं। वैसे सुना मैंने भी बहुत कुछ आपके बारे में, एक प्यारी सी बीवी, तीन छोटे छोटे बच्चे। मैं सोच रहा था कहीं दूर तबादला हो गया या नौकरी चली गई, तो क्या करेंगे आप? अरे घबराइए नहीं, बस इस मामले को यहीं रफा दफा करें। मैं जानता हूं आपकी हैसियत मेरे बाकी मसले सुलझाने की नहीं है, इसलिए बस इसी को देखें। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, यहां आना चाहिए मेरे टेबल पर। ये रखिए आपके लिए है, और अब से ये परेशानी मेरी नहीं, आपकी। अरे सिकंदर साहब, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। इजाजत दें।